Assalamualaikum students of five class. Hope you will be fine. This is your science lecture number seventeen. Students, open your science workbook page number fifty one. Mention the date and day properly. As you can see over there, uh, sorting the living things. Uh, आपने लिविंग थिंग्स को सॉर्ट करना है कैसे uh, जैसे कि आपको ये एक टेबल uh, दिया गया है साइंटिस्ट ने जो है वो थिंग्स को प्लेस किया है ग्रुप्स में अकॉर्डिंग टू देयर फीचर्स फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ एनिमल्स हैं uh, बाद में उन्होंने कैटेगराइज़ किया है कि ये फिश की कैटेगरी में फॉल करते हैं या नहीं इज़ इट वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट क्या ये एनिमल वर्टिब्रेट है या इनवर्टिब्रेट है इनका हैबिटेट क्या है ये कहाँ पे रहते हैं और क्या ये स्विम कर सकते हैं तो बच्चे ये डिफरेंट हमें फीचर्स बताए गए हैं इन एनिमल्स के इस टेबल को आपने अच्छे से गो थ्रू करना है उसके बाद आप ये जो नीचे गिवन एक्टिविटीज़ हैं इसकी वो सॉल्व कर सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ एनिमल्स के नेम्स गिवन हैं फर्स्ट वन इज़ द क्लाउन फिश सेकेंड वन इज़ द ग्रेट वाइट शॉक थर्ड इज़ द स्टार फिश फोर्थ इज़ द सी हॉर्स फिफ्थ वन इज़ द सील एंड सिक्स वन इज़ द क्लीनर श्रिम ओके okay, ये हमें कुछ एनिमल्स बताए गए हैं साइंटिस्ट ने इनको ग्रुप्स में रखा है अकॉर्डिंग टू देयर फीचर्स अब हम इनके देखते हैं कौन कौन से फ़ीचर्स हैं फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे आपने इसमें से फाइंड आउट करना है कि कौन सी इसमें से फिशेस हैं और कौन सी फिशेस नहीं हैं क्लाउन फिश ये फिश है ग्रेट फाइट वाइट शार्क दिस इज़ आल्सो फिश स्टार फिश जो है वो फिश नहीं है बच्चे आपको सबसे पहले ये फाइंड आउट करने के लिए कि या ये वाले एनिमल्स फ़िश की कैटेगरी में आते हैं या नहीं आते तो आपको फ़िश के करैक्टरिस्टिक्स का पता होना चाहिए और वो करैक्टरिस्टिक्स हमने पढ़े हुए हैं कि फ़िश जो है वो वाटर में रहती है उसके पास गिल्स होती हैं ब्रीथ करने के लिए सांस लेने के लिए उसके पास फिन्स होती हैं जो उसको स्विम करने में हेल्प करती है इसके अलावा फिशेस जो हैं वो वर्टिब्रेट्स की कैटेगरी में आती हैं यानी कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें बैकबोन प्रेजेंट होती है और हमने दो जो हैं वो ऐसे ऑर्गेनिज्म देखे थे जेलीफिश और स्टारफिश दे डू नॉट हैव अ बैकबोन इनमें बैकबोन नहीं होती मीन्स कि ये इनवर्टिब्रेट्स हैं सो so दे आर नॉट फिश तो ये दो ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनके नाम के साथ तो फिश एसोसिएटेड है लेकिन ये फिश की कैटेगरी में नहीं आते क्योंकि ये इनवर्टिब्रेड्स हैं जैसे कि स्टार फिश, ये फिश की कैटेगरी में नहीं आती क्योंकि ये इनवर्टिब्रेड है क्लाउन फिश भी फिश है ग्रेट वाइट वाइट शॉक इज़ ऑल्सो फ़िश स्टार फिश और जेली फिश जहाँ पर भी राइट किया हुआ हो बच्चे ये इनवर्टिब्रेड्स होते हैं इस वजह से हम इसको फिश में आ, फिश की कैटेगरी में कंसिडर नहीं करते सी हॉट्स इज़ ऑल्सो अ फिश अगर आप इनके पिक्चर्स देखना चाहते हो तो आप गूगल से सर्च कर सकते हैं इन सब के पिक्चर्स सी सील इज़ नॉट अ फिश ये भी फिश नहीं है क्लीनर श्रिम दिस इज ऑल्सो नॉट अ फिश बस यहाँ पर आपको थ्री फिशेज बताई गई हैं क्लाउन फिश ग्रेट वाइट शार्क एंड सी हॉर्स और बाकी तीन ऐसी कैटेगरीज हैं जो कि फिशज नहीं हैं अब नेक्स्ट फीचर पर आ जाते हैं नेक्स्ट इज द इज इट अ वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेड क्या ये वाले एनिमल्स वर्टिब्रेड्स हैं या इनवर्टिब्रेड्स हैं तो बच्चे फिश जो कैटेगरीज हैं जहाँ पर यस 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 राइट किया हुआ है तो आपको पता है फिशज वर्टिब्रेड्स होती हैं तो वहाँ तो आप इजिली फाइंड आउट कर सकते हो क्लाउन फिश इज़ अ वर्टिब्रेट ग्रेट वाइट शार्क इज अ वर्टिब्रेट एंड दी हार्स इज अ वर्टिब्रेड ये तीन ऐसी कैटेगरीज हैं फिशेज की यह तो ऑब्वियस था यह हमें क्लियर था कि ये फिशेज जो हैं ये वर्टिब्रेड्स होती हैं तो ये तीनों वर्टिब्रेड्स हैं अब स्टार फिश हमने कहा यह इनवर्टिब्रेट है ये इसको हम इसलिए फिश की कैटेगरी में न लाए हमने यहां पर नोट राइट कर दिया कि यह फिश नहीं है तो यहां पर आप इनवर्टिब्रेट हमें क्लियर हो गया उसके बाद क्लिनर श्रिम्प ये भी इनवर्टिब्रेट है अब एक और चीज आ गई सील सील हमने कहा था यह फिश नहीं है लेकिन ये वर्टिब्रेट की कैटेगरी में आती है ये ऐसा एनिमल है जिसमें बैकबोन प्रेजेंट होती है बस यहाँ पे क्या डिफरेंस आया तीनों फिशेज जहां पे यस यस टाइट किया हुआ है वो तीनों वर्टिब्रेट्स हैं इसके अलावा एक एनिमल जस्ट ऐसा है, सील जो कि फिश नहीं है लेकिन वो वर्टिब्रेट की कैटेगरी में आता है द नेक्स्ट फीचर इज द वेयर डज इट लिव आ, ये सब के सब एनिमल्स आ, जो हैं ये इनका हैबिटेट क्या है यानी कि ये कहाँ पे रहते हैं क्लाउन फिश ये वाटर में रहती है ग्रेट वाइट शॉक दिस ऑल्सो लिव्स इन द वॉटर स्टारफिश भी वाटर में सी हॉर्स भी वाटर में रहता है उसके बाद सील जो है ये वाटर में भी रहती है और लैंड पे भी रहती है आपने अगर इसकी पिक्चर देखनी हुई तो आप गूगल से इसकी पिक्चर देख सकते हैं एंड द क्लीनर श्रिम्प इज ऑल्सो लिव्स इन द वाटर तो इसमें कोई ऐसी डिफिकल्ट बात नहीं है सबके सब एनिमल्स सब का हैबिटेट वाटर है जस्ट सील uh, जो है ये वाटर पे भी रहती है और लैंड पे भी रहती है ओके द लास्ट फीचर इज द कैनिट स्विम कि इनमें से कौन सा ऐसा एनिमल है जो स्विम कर सकता है क्लाउन फिश स्विम कर सकती है ग्रेट वाइट शार्क ये भी फिश है वर्टिब्रेट है पानी में रहती है ये भी स्विम uh, कर सकती है स्टार फिश जो मैंने कहा था कि ये फिश की कैटेगरी में नहीं आती नो no, क्योंकि ये इनवर्टिब्रेट है रहती तो ये पानी में है लेकिन ये स्विम नहीं कर सकती सी हॉर्स स्विम कर सकता है सील स्विम कर सकती है क्लीनर स्विम यह सबके सब जो हैं वो स्विम uh, uh, कर सकते हैं एक्सेप्ट द स्टार फिश सिर्फ स्टार फिश ऐसी है जो कि स्विम नहीं कर सकती ओके नेक्स्ट कैटेगरीज को uh, uh, हम सॉल्व करने से पहले आपको टेबल जो है वो अच्छे से गो थ्रू कर लेना है आपने कि कौन कौन से एनिमल्स गिवन हैं क्या वो फ़िश की कैटेगरी में आते हैं या नहीं आते आपको फ़िश के करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो पता होंगे तो आप कैटेगराइज कर सकती हो कि ये फिशिज़ हैं या ये फिशज़ नहीं हैं फिर आपने कैटेगराइज करना है कि क्या ये वर्टिब्रेट्स हैं या इनवर्टिब्रेट्स, ये रहते कहाँ पे हैं और क्या ये स्विम करते हैं या नहीं करते ओके द नेक्स्ट सेकेंड वन इज द लेबल ईच सर्कल टू शो सॉर्टिंग क्राइटेरिया आपने इन दोनों सर्कल्स को गिवन लाइन में लेबल कर देना है uh, इस क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए जैसे कि एक सर्कल में फर्स्ट uh, सर्कल में गिवन है स्टारफिश एंड क्लीनर श्रिम्प आपने यहाँ से देखना है Starfish and cleaner shrimp, okay? They both are invertebrates, ठीक है ये दोनों invertebrates हैं बाकी सब vertebrates हैं तो आप यहाँ पे क्या राइट करेंगे Invertebrates। और ये जो बाकी की फिश एनिमल्स हैं ग्रेट white shark, सी टर्टल नेक्स्ट आ गया हमारे पास सी हॉर्स एंड द क्लाउन फिश अब आपने यहाँ से ये वाले नेम्स देखने हैं ग्रेट वाइट शॉक वर्टिब्रेट है Uh, इसके अलावा यहाँ पे कौन सा गिवन है सी हॉर्स दिस इज ऑल्सो वर्टिब्रेट क्लाउन फिश दिस इज ऑल्सो वर्टिब्रेट तो यहाँ पे तीन ऐसी कैटेगरीज आ गई जो कि वर्टिब्रेट्स हैं तो यहाँ पे हम क्या राइट करेंगे वर्टिब्रेट्स ओके स्टूडेंट्स आप यहाँ पे राइट करेंगे फर्स्ट सर्कल में जो एनिमल्स गिवन है वो स्टार फिश और क्लीनर श्रिम्प है और ये बोथ जो हैं ये दोनों इनवर्टिब्रेट्स हैं तो यहाँ पे हम इनवर्टिब्रेट यानी कि हमने इसको लेबल कर दिया सेकंड सर्कल में थ्री फिश हैं ग्रेट वाइट शॉक ये फिश है सी हॉर्स ये भी फिश है क्लाउन फिश ये भी फिश है सी टर्टल रेप्टाइल है ओके okay? तो फिशिज़ आपको पता है कि ये वर्टिब्रेट्स होती हैं यानी कि इनमें इन बैकबोन होती है अब सी टर्टल क्या है ये एक रेप्टाइल है और रेप्टाइल आपको पता है जो क्रॉल करने वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें भी बैकबोन प्रेजेंट होती है तो यहाँ पे हम इसको लेबल कर देंगे किस क्राइटेरिया के थ्रू कि ये वाला सर्कल इनवर्टिब्रेड्स को शो कर रहा है और ये वाला सर्कल वर्टिब्रेड्स को शो कर रहा है इनमें बैकबोन प्रेजेंट नहीं है इनमें बैकबोन प्रेजेंट है ओके द नेक्स्ट वन इज़ पुट द एनिमल्स फ्रॉम द टेबल अबव इन द कैरल डायाग्राम बिलो यहाँ पे कुछ हमें जो है वो बताया गया जैसे कि कैटेगरीज हैं फिश एंड नॉट अ फिश वर्टिब्रेड एंड नॉट अ वर्टिब्रेड आपने यहाँ पे वो राइट करनी है जो वर्टिब्रेड हो और फिश हो यहाँ पे उसका नेम राइट कर देना है अब यहाँ से आपने जो है वो इसको फाइंड आउट करना है येस uh, yes, ये वर्टिब्रेड uh, ये है और फिश भी है तो यहाँ पे आप क्लाउन फिश भी लिख सकते हैं और ग्रेट वाइट शार्क तो मैंने यहाँ पे क्लाउन फिश लिख दिया जो कि वर्टिब्रेड भी है और फिश भी है अब आपने कोई ऐसा वर्टिब्रेड लिखना है विच इज नॉट अ फिश और यहाँ पे हमने एक अभी देखा था दिस इज द वर्टिब्रेड विच इज नॉट अ फिश तो आपने यहाँ पे सील राइट कर देना है नेक्स्ट वन इज़ द आपने ऐसी फिश का नेम राइट करना है जो कि वर्टिब्रेट ना हो और हमने जो है वो पढ़ा हुआ है कि फिशेस जो हैं वो वर्टिब्रेट्स की कैटेगरी में फॉल करती हैं तो यहाँ पे आपने क्रॉस लगा देना क्योंकि ऐसी कोई फिश नहीं है जो कि इनवर्टिब्रेट हो नेक्स्ट uh, इज द नॉट अ वर्टिब्रेट यानी कि आपने कोई ऐसी इनवर्टिब्रेट बतानी है विच इज़ नॉट अ फ़िश और वो अभी हमने देखा कि स्टार फिश एंड द जेली फिश ये दोनों इनवर्टिब्रेट्स होती हैं ये फिश की कैटेगरी में नहीं आती तो आपने यहाँ पे स्टार फिश राइट कर देना है ओके स्टूडेंट्स नाउ ओपन योर वर्कबुक पेज नंबर 52 अब वर्कबुक पेज नंबर 52 पे थर्ड uh, uh, जो आपका उसके रिलेटेड क्वेश्चन है कंप्लीट दिस कैरल डायग्राम यूजिंग द डिफरेंट सॉर्टिंग क्राइटेरिया फॉर द एनिमल्स अब आप कोई भी क्राइटेरिया यूज़ करके uh, इस जो ये जो ब्लैंक बॉक्स है इसको फिल कर सकते हैं चाहे वो कोई भी क्राइटेरिया हो सकता है कि ये uh, ये वाले ऑर्गेनिज्म ये वाले एनिमल्स स्विम कर सकते हैं या नहीं कर सकते Uh, तो मैंने जो है वो कौन सा क्राइटेरिया लिया है वर्टिब्रेट एंड इनवर्टिब्रेट इसके अलावा आपने uh, पीछे वाला जो था सॉर्टिंग द लिविंग थिंग्स वहाँ से एनिमल्स पिक कर लेने हैं मैंने टू एनिमल्स पिक किए हैं वहाँ से कौन कौन से क्लाउन फिश एंड स्टार फिश ओके अब उसके बाद आपने बताना है क्लाउन फिश वर्टिब्रेट है या इनवर्टिब्रेट है आप यहाँ पे टिक एंड क्रॉस भी लगा सकते हैं और यस एंड नो भी राइट कर सकते हैं क्लाउन फिश वर्टिब्रेट है तो आप यहाँ पे येस yes राइट right करेंगे एंड क्लाउन फिश इनवर्टिब्रेट नहीं है तो आप यहाँ पे नो no राइट right कर देंगे नेक्स्ट इज द स्टार फिश स्टार फिश जो है ये वर्टिब्रेट नहीं है आप यहाँ पे नो no लिखेंगे और इसी तरह ये इनवर्टिब्रेट है तो आप यहाँ पे यस yes राइट right कर देंगे ओके दिस इज ऑल अबाउट द लेक्चर नंबर सेवनटीन ये आपने इसको अच्छी तरह से सॉल्व कर लेना है